हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सुबह का समय है तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा, वो भी कोरोना वायरस, जो COVID-19 महामारी आई थी वायरस के कारण, उसके बारे में मैं कुछ अपनी पर्सनल निजी राय रखना चाहूँगा। तो दोस्तों, कोशिश करना आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ये वीडियो हमारी सरकार तक पहुंच जाए, एमपी गवर्नमेंट सरकार, जो ऐसे डिसीजन लेती है जिससे सारी जनजीवन की हानियां होती है, उठा के लॉकडाउन लगा देते हैं, जो बहुत खतरनाक है आम पब्लिक के लिए। तो दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कोरोना वायरस का नया म्यूटेंट आया, ओमिक्रॉन, जो बहुत घातक है, बहुत डेंजर है। लेकिन उस वायरस से निपटने के बहुत सारे तरीके भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे निजात मिल सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोपाल में कोई एक केस मिल गया तो गुना जिले को बंद कर दिया जाए या स्कूल बंद कर दिया जाए गुना जिले के। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। पिछले बार 2 साल तक लॉकडाउन लगा के जो उसका इफेक्ट पड़ा है, वो ज्यादातर शिक्षा पे पड़ा है। कुछ भी होता है, कोई भी केस आता है, उठा के स्कूल बंद किया जाते हैं। जबकि अभी तक एमपी में स्कूलों में एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं मिला है, ना किसी को कोरोना वायरस हुआ है स्कूल में बच्चों को। तो मैं एज ए टीचर, एज ए गेस्ट फैकल्टी टीचर, यही हमारी सरकार को राय देना चाहूँगा कि वो कुछ भी हो, लास्ट तक स्कूल बंद ना करें। हाँ, ओवरऑल इंडिया में, पूरे देशों में अगर ये ज़्यादातर फैलता है तभी जाके लास्ट टाइम पे स्कूल बंद किए जाए। क्योंकि इसके इफेक्ट में देख रहा हूँ, बच्चे जो थोड़ा बहुत जानते थे, जो पढ़ना लिखना, वो सब भूल चुके हैं। और 50% बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया है। तो इस वायरस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तो बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, वो भी किसके हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से। जो निचले स्तर की शिक्षा है, निचली बस्तियों की, निचले गांव बस्तियों की, उस पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। आप सर्वे करा सकते हो, बच्चों को कुछ नहीं आता है। और इसके जिम्मेदार है गवर्नमेंट, जिन्होंने स्कूल बंद कर दिए थे पहले भी। अगर गवर्नमेंट चाहती तो गांव के स्कूल कभी बंद नहीं होते, क्योंकि गांव में कहीं भी कुछ नहीं हो रहा था, फिर भी एक हवा बना के वायरस को, स्कूल को बंद किया गया था। तो हाँ, अभी मैं बात कर रहा था, नया म्यूटेंट ओमिक्रॉन आया है। तो ओमिक्रॉन से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी कुछ अफ्रीकी देशों में, उस देशों में पाया गया है। इंडिया में भी इसके कुछ केसेस मिले हैं। सुना है कि गवर्नमेंट ने दूसरे प्रदेशों से जो फ्लाइट आती है या विदेशों से, उसको बंद कर दिया है। तो ये तो कोई भी देश का नागरिक किसी भी दूसरे देश से जाकर भी आ सकता है। और ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर देश में ये वायरस है, ये सभी देशों में है, इसका इफेक्ट है। और ये स्वाभाविक सी बात भी, कोई भी वायरस होगा तो वो उसका वेरिएंट चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उठा के स्कूल बंद कर दिए जाए। स्कूल को चलने दे और प्रॉपर चलने दे। हाँ, लास्ट में अगर बहुत ज़्यादा, जब कहीं ना कुछ भी ना होगा, तब बंद किया जाए। और इससे सबसे ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ भी रुकती है। ज़्यादातर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया था, उसकी भरपाई अभी तक भी नहीं कर पा रहे। ये महंगाई क्यों आई थी? लॉकडाउन की वजह से। और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट शिक्षा और गरीबों पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो वो अपने
रिलेटिव से नहीं मिल पाता है, अगर किसी को अपने घर वालों से मिलना है तो वो नहीं मिल पाता है, कोई किसी की मदद पहुंचाना चाहता है तो वो नहीं पहुंचाना। तो पिछली बार भी इतनी कैजुअलिटीज हुई है कोरोना वायरस, वायरस से नहीं, वायरस की जो दहशत है उसकी वजह से। बिहार से लोग दिल्ली और मुंबई में जो काम करने आते थे वो बेचारे अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया, क्यों? सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया था। तो ये गवर्नमेंट की फेलियर की वजह से हुआ था, जिसका खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ा था। तो मेरी रिक्वेस्ट है एमपी गवर्नमेंट से कि वो ऐसे स्टेप ना लें जिससे गरीबों की रोजी रोटी छिन जाए और उनका जीवन छिन जाए, क्योंकि जान से ज्यादा कोई बड़ी चीज होती नहीं है। हाँ मानते हैं कि वायरस बहुत जानलेवा है, लेकिन अगर पिछले कुछ आंकड़े उठा के देखा जाए तो वायरस से कम मरे हैं, दहशत से ज्यादा मरे, भूख से मरे, गरीबी से मरे हैं। उनकी जो डेली की जो इनकम होती है, जो मजदूर लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे काम करके पेट भरते हैं अपना। तो सरकार सबसे पहले शिक्षा और गरीबों की तरफ देखे तब जाके लॉकडाउन लगाए, नहीं तो इस बार ये लॉकडाउन अगर लगता है तो पिछले साल से भी ज्यादा मौतें हो सकती है, क्योंकि पिछले साल की भरपाई अभी तक भी नहीं हो पाई। तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग मोस्ट हम्बली स्पेशली एमपी गवर्नमेंट सरकार कि आप अगर वायरस फैलता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्कूल बंद ना किए जाए, स्कूल को लास्ट में रखना चाहिए और लॉकडाउन को भी एट लास्ट में ही रखना चाहिए। हाँ कोशिशें होना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और किसी अनवांटेड चीजों को नहीं छूना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, लेकिन ये उपाय सही नहीं है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, स्कूल बंद कर दिया जाए, इससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट सामने आएंगे और पिछले साल के इस बार मिल रहे हैं इफेक्ट लॉकडाउन के। तो लॉकडाउन को लास्ट में रखना चाहिए और मेरा सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो अपनी पॉजिटिविटी के साथ स्कूल जाए और बोले कि हम भेजेंगे हमारे बच्चों को, लेकिन स्कूल बंद ना करें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को दोस्तों इतना फैलाओ कि ये हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्ट, सब्सक्राइब माई चैनल।